हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग। और इस बार की जो मेरी शॉपिंग हुई है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार टाइप की हुई है। एक्चुअली मैं इस बार मैंने बहुत ही वाइजली शॉपिंग करी है, बिल्कुल भी फालतू का सामान नहीं लिया। जैसे कि हर बार ही मेरे पे एक टैग लगा दिया था सबने, मैं फालतू का सामान लेती हूँ, बट मैं फालतू का सामान नहीं लेती हूँ। आप भी जानो, चीज़ें घर में बहुत सारी यूज़ हो जाती हैं, और इस बार मैंने काफ़ी सोच समझ के सामान लिया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं अपना बेटा अपने घर पे छोड़ के गई थी, तो इस वजह से मैं और भाग भाग के मैंने शॉपिंग करी थी। तो मैंने कोशिश करी कि मैं जल्दी से जल्दी शॉपिंग कर पाऊँ। मैंने ये सारी शॉपिंग ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर कर ली थी। और सबसे पहले मैं इस बार क्या करके गई थी कि मेरे घर में जो सामान था उसकी मैंने लिस्ट बना ली थी। उसकी लिस्ट बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। जो सामान आपको लेना है वो तो आपको चार पांच ही याद आते हैं, जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आपको और सारे दिखते हैं, लेकिन जो सामान घर में है वो एक्स्ट्रा ना है, इसलिए उसकी लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको लिस्ट का ज़रूर सुना देती हूँ, अदरवाइज़ सब लोग ये सोचेंगे कि यार ये सामान नहीं लिया तुमने, ये सामान नहीं लिया तुमने, ये सामान नहीं लिया। तो इसलिए ये पूरी मेरी मंथली शॉपिंग हो गई है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ जो सामान मेरे घर में पहले से था, जैसे कि हल्दी का पैकेट था, टाइड रखा हुआ था, पेस्ट रखा हुआ था, टूथपेस्ट रखा था, इनो के पैकेट रखे थे, हार्पिक रखा हुआ था, गुड नाइट की चार फिर रखी हुई थी, हैंड वॉश अच्छे खासे तीन चार रखे हुए थे, विम बार रखे हुए थे, और स्कॉच ब्राइट था, और फिनाइल की गोलियां भी थी इसमें, एक्चुअली फिनाइल की गोलियां ही लिखी हैं, ठीक है। और लाई रखी हुई थी, और ब्राउन राइस रखा था, नमक के दो पैकेट रखे थे, बिस्किट, मखाना, ब्रश, बेसन और हींग, इतने चीज़ों के पूरे नए पैकेट रखे हुए थे। मतलब एक बेसन का पैकेट खुला हुआ और एक नया रखा हुआ, हींग का भी यही हाल है, एक खुला एक रखा हुआ है। तो इस वजह से ये हुआ कि हाँ, इतने पैकेट तो मेरे पास रखे हुए हैं, इतना सामान रखा हुआ है, तो इसलिए अब ये सामान तो नहीं लेना बिल्कुल भी। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पर। तो सबसे पहले जो मैं इसमें होता है मंथली आपका आ जाता है सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल। अभी तक मैं ये हो रहा था पैकेट ले आती थी आसपास से, सरसों का तेल मेरा घर से आता था, लेकिन अभी इधर घर जाने का है, लेकिन मैंने कहा चलो पैकेट ले लेते हैं, काम आएगा। और ये 5 लीटर वाला मैं हमेशा फार्चून ही लेती हूँ, तो ये वाला फार्चून कच्ची घानी और ये फार्चून सोयाबीन, तो मैं ये दोनों रिफाइंड ही यूज़ कर रही हूँ, वो दोनों। और साथ ही साथ इसका पैम्पर ख़त्म हो गया था, तो इसका पैम्पर एल साइज अब लगता है इसको। और नॉर्मली आजकल मैं इसके लिए यही यूज़ कर रही हूँ कि अगर दिन में ये यूज़ होते हैं या फिर रात में। और प्रीमियम ये है, प्रीमियम मैंने लेके रख दिया है, बट प्रीमियम बहुत कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गन्नू बड़ा हो गया। इसके बाद जो बड़े पैकेट्स में आता है, एक आता है आपका क्लॉस कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लेक्स का ये है कि मैंने प्लेन कॉर्नफ्लेक्स लिया है, वो इस वजह से लिया है, उसका रीज़न है, अगर आप भी थोड़ा बजट फ्रेंडली होना चाहते हो और आपके घर में भी 2-3 बच्चे हैं तो आपको भी पता है, ये जो ग्रैनुलर्स के पैकेट्स होते हैं ना, ये काफ़ी महंगे भी होते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक काम करती हूँ, कॉर्नफ्लेक्स ले लेती हूँ, और इसमें आप इसके 1 या 1.5 चम्मच आप इसके डाल लो, बाकी कॉर्नफ्लेक्स डाल लो। इसके साथ ही इसमें चिया सीड भी हम डाल सकते हैं, इसमें अलसी के बीज भी हम डाल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके घर में भी 2-3 बच्चे और आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा रीजनेबल भी पड़ता है, कॉर्नफ्लेक्स तो हम वैसे भी लेके आते हैं, इस वजह से ये दोनों मिक्स करके हम आराम से खा सकते हैं। तो इसी पर्पज़ से ही मैंने ये दोनों चीज़ें ली हैं। और बाबू की मेरी वाइप ख़त्म हो गई थी, तो अभी फ़िलहाल मेरे को वहाँ पे कारा की वाइप दिखी, तो मैंने कारा की ले ली है, बट मैंने अभी उसकी किसकी मैं यूज़ करती हूँ नाम याद नहीं आ रहा, गिन्नी की वाइप्स मैंने मंगाई हैं। और अब मैं बात करती हूँ, इस बार मैंने ली है फ्लैक्सीड, ये रोस्टेड वाली, खाने के लिए मैंने फ्लैक्सीड ली है, और ये रोस्टेड वाली जो है वो ज्वेल फार्मर की हैं, और मैंने तब देखा नहीं था रोस्टेड, बट ये रोस्टेड है, आप चाहो तो इसको 1 चम्मच ऐसे ही सुबह पानी के साथ खा सकते हो। फ्लैक्सीड अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, पता है, बहुत कंसंट्रेशन इस चीज़ पे ना करके कि हमारा वेट लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, आप कंसंट्रेशन करो कि आप हेल्दी खाओ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है लाइफ में। और इसके बाद ये आटा आशीर्वाद ही हम लेते हैं, अब आ जाते हैं हम इसमें। तो ये साबुदाना ख़त्म हो गया था, वो मैं लेके आई हूँ इस बार। डार्क फैंटेसी के 2 पैकेट लेके आई थी, एक ख़त्म हो गया, एक ही बचा हुआ है, मेरे को बस एक ही बिस्किट अच्छा लगता है कि कभी कभार मेरा खाने का मन हुआ तो मैंने एक निकाला और खा लिया। और पतंजलि का ये रोज़ बॉडी क्लींजर ले आई हूँ, मैं तो शावर जेल यूज़ करती हूँ, लेकिन घर में ये कभी यूज़ करते हैं कोई आ जाता है तो उसके लिए एक ले ली, क्योंकि 2 रखी हुई थी। अब ये देखो, इसके साथ ही ये जो चॉकलेट्स आई हैं इनको अभी फ्रिज में नहीं डाला है मैंने, तो ये चॉकलेट्स इतनी सारी मैंने इसलिए ले ली, कभी खाने का मन करता है तो मेरे को बड़ी नहीं अच्छी लगती, तो बहुत सारे इसमें की ले ली, कभी एक खोली और आपने खा ली। खाने के बाद कभी कभी मीठा खाने का ऐसी तलब लगती है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके बाद मसाले जो जो मेरे पास ख़त्म हो गए थे मैंने ले लिए, जैसे कि मैंने बताया हल्दी थी, सब्जी मसाला हो गया, कोरिएंडर पाउडर हो गया, और फिर आपका गरम मसाला हो गया, और ये हो गई आपकी
कुटी मिर्च। तो मैं ज़्यादातर मसाले जो लेके आती हूँ कैच के ही लेके आती हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं क्योंकि आपको इतना 250 ग्राम का ये ऑलमोस्ट पैकेट है, शायद ये 250 ग्राम का है, मुझे चेक करने दो, आप दिख नहीं रहा यार अभी। तो ये पैकेट आपको, हाँ 200 ग्राम का पैकेट है ये, और आपको बहुत ही सही बजट में पड़ जाता है। अगर आप बाकी देखते हो तो इतना सा बहुत थोड़ा सा आता है, तो ये थोड़ा सा मुझे बजट फ्रेंडली लगता है, तो मैं कैच के मसाले लेके आती हूँ। इसके बाद में मैं आपको बता दूँ, चाय हम यही पीते हैं और बहुत अच्छी चाय बनती है, रेड लेबल की नेचर केयर। आप एक बार ट्राई करके देखिए, जो इसे पी रहे हैं उन्हें पता है कि बहुत टेस्टी चाय है। जिन्होंने नहीं पी है वो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा ये वाली चाय। इसके बाद मैंने सत्तू के 2 पैकेट लिए, एक पैकेट अभी कहीं दिखेगा आपको, सत्तू के मैंने 2 पैकेट लिए थे। कभी लिट्टी चोखा भी बन जाता है, कभी पराठे बन जाते हैं, कभी सारी चीज़ें बन जाती हैं। फिर बात आती है लाइजोल की, तो मैं फिनाल नहीं यूज़ करती हूँ, लाइजोल यूज़ करती हूँ। तो ये लाइजोल आपका फ्लोर क्लीनर हो गया। पहले मैं लेमन लेके आती थी, इस बार मैंने रोज़ ले लिया है। और दलिया, दलिया एक्चुअली मेरा कुछ पतंजलि से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है, बट ये दिख गई तो मैंने ये उठा ली है। दलिया एक मैंने ले ली है। और इसके बाद में ये जीरा रोज़ ख़त्म होता था, आपको पता है जीरा सबसे ज़्यादा हमारे घर में यूज़ होता है, तो जीरा का मैंने सीधे सीधे बड़ा पैकेट ले लिया है। तो इससे ये आराम रहेगी ना, तो कम से कम यूज़ करते रहो, और बहुत जल्दी जीरा ख़त्म होता है आपको ही पता है। इसी में से थोड़ा सा भून के अगर आप रायता वगैरह बनाते हो तो भी रख लेते हो। ये किसी चीज़ के साथ, ये कॉर्नफ्लेक्स कॉर्न ही ना, ऑलमंड हनी, अच्छा ये उसके साथ फ्री मिला है मुझे, ठीक है। और अब मैं आ जाती हूँ, काली मिर्च हमारी ख़त्म हो गई थी, काली मिर्च हमने ली है। और ये है, अच्छा मूसली भी आपने लिया था ना, हाँ ये भी ले लिया था इन्होंने, ये वाला नट्स भी ले लिया था, ये एक्चुअली इनको पसंद आ रहा था भाई, मेरे को याद नहीं था मैंने ये लिया नहीं लिया। ये सत्तू का पैकेट एक और हो गया। इसके बाद में ये आपकी हो गया सर्फ एक्सल, तो मैंने कहा बड़ी पैकेट ले लेते हैं, आपने सुना होगा शायद, मैं लास्ट ब्लॉग नहीं देखा, ब्लॉग देखना ज़रूर। मैंने शॉपिंग करते हुए अच्छे से वीडियो आप लोगों को दिखाया है। ये पर्क और हो गई, और ये छोटू सा ब्रश। अब आप सोच रहे होंगे गन्नू तो इतना बड़ा है नहीं, तो मैंने ये छोटू सा ब्रश किसके लिए लिया है, तो ये जो छोटा सा ब्रश है मैं अपने लिए लेके आई हूँ, क्योंकि कभी कभी जब आपको लिप पे स्क्रब करना होता है ना, तो आप जो दांत मतलब जिससे आप ब्रश कर रहे होते वो आप नहीं यूज़ करते, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं छोटू वाला ले लूँ। और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो आपके लिप्स का स्क्रबिंग बहुत अच्छे से होती है, तो आप लोग भी एक काम कर सकते हो, ऐसे छोटू टाइनी वाले ब्रशेज आप भी ले सकते हो। ये देखो फैमिली बाजार का टैग लगा है। और ये राई है, राई हमने 2 पैकेट ले लिया, क्योंकि आप जानते हो राई बहुत ज़्यादा खर्च होती है, कभी कुछ कभी कुछ, ज़्यादातर डिशेज में काम आ जाती है। 2 पैकेट हमने राई ले ली है। और इसके बाद ये उठा के बस डाल लेती हूँ, कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कोई आ जाता है उसके उसके भी हो जाते हैं, बाकी मेरे पड़े होंगे 2 पैकेट तो पड़े ही होंगे। और इसके बाद में फैमिली बाजार का ही ये पैकेजिंग में दाल मिल रही, यार ये दाल ऐसा क्यों है, दाल ये देखो घुनाई लग रही है मुझे, क्या बात है, दिखाओ। हाँ देखो तो माही लेके, हाँ तो ये दाल लाई है, वो चेक करें क्या है उसमें। और ये फिनाइल की गोलियाँ लेके आई हूँ उसमें डालने के लिए, अपने वॉश मशीन में डालने के लिए। और पोहा आपको पता ही है ज़रूरत होती है, एक पैकेट और दाल के ले लिया है इसलिए क्योंकि आपको पता है 2 पैकेट दाल होनी चाहिए। और फिर ये कश्मीरी लाल मिर्च, हाँ सही है, अच्छा वो काला काला दाल का ही छूटा हुआ है, छिलका, हाँ छिलका है, कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर खाने में कश्मीरी लाल मिर्च ही खाते हैं। और इसके बाद इसमें है फिर 5 किलो चीनी। तो आप देखो ये सारा का सारा हमारा डेली का सामान है जो मैं इस बार लेके आई हूँ, और पूरा बस मुझे ये बता देना इसमें से क्या जो है वो आपको पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने पूरा कोशिश की, इसके अलावा हम वहाँ से कुछ नहीं लेके आए थे। और अभी ये सारा सामान मुझे अच्छे से लगाना है, क्योंकि बरसात आ गई है, तो बरसात में यही है कि इन सामानों को बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको पता है डब्बे में रखे रखे सामान में कीड़े पड़ जाते हैं बरसात में, तो बरसात की वजह से इसको स्टोर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कोशिश करिए मैंने ऐसे सामान ना लेके आऊँ जिनको स्टोरेज करने में ज़्यादा मुझे दिक्कत हो। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग, इनको सबको डालना है मुझे फ्रिज में। ये चॉकलेट्स बस ऐसी ले ली कि हाँ कभी मन करता है कुछ खाने का, तो इसलिए अलग अलग इतनी सारी ले ली। और ये वैसे मैं चॉकलेट खाती नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ। और बाकी आई होप आपको आज का मेरा वीडियो ये पसंद आया, मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी। तो ये हो गई है मेरी मंथली शॉपिंग हो गई है, क्योंकि मंथ का ये एंड आ गया है, अब ये नया शुरुआत होगा। और जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी ख़त्म भी हो जाएंगी, जैसे पोहा है, ऑब्वियसली अब हम 3-4 लोग नहीं, हम 5 लोग मान लो आप, क्योंकि सुबह खाने वाली आती हैं फिर गुड़िया रहती है,
तो 5 लोगों के लिए अगर पोहा बनता है तो ये 2 बार का ही है मुश्किल से, तो ख़त्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें तो मुझे यहाँ से मंगानी पड़ेंगी। बट मसाला है ऐसी चीज़ है जो अभी बहुत दिन तक चलेगा, दाल है जो बहुत दिन तक चलेगी, और बाकी जीरा मैं ले आई हूँ जो काफ़ी टाइम तक चलेगा, सर्फ चलेगा मेरा, काली मिर्च चलेगी, सत्तू चलेगा, बहुत सारा ऐसा सामान है जो मेरा चलेगा। तो बस ये है मेरी इस बार की ग्रोसरी वाली शॉपिंग, और आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगी आपको मेरा शॉपिंग ब्लॉग का, वो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग बना है, हर कोई बड़ा तारीफ कर रहा है उस ब्लॉग की। तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।